आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनर के मैजिक बुक 14 2021 और 15 2021 के बारे में। क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, क्या फीचर हमें देखने को मिल पाएंगे, कैसे हम इसे खरीद सकते हैं, कब तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल होगा और इसकी प्राइस जो है वो इंडिया के अंदर क्या होने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फन में। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो जो ओनर मैजिक बुक 14 और 15 है, दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है, जो डिफरेंस होगा वो हम लास्ट में बात कर लेंगे। प्राइस के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी हम लास्ट में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सीपीयू के बारे में, यानी कौन सा हमें प्रोसेसर वगैरह क्या देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर 11th जनरेशन का i7 जो सीपीयू है वो हमें देखने को मिलेगा। और यदि बात करें इसके जीपीयू की, तो जीपीयू भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल पाएगा, काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर हमें देखने को मिल पाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसके अंदर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैजिक बुक 14 के बारे में। तो इसके अंदर जो है हमें 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले हमें देखने को मिल पाएगी, IPS डिस्प्ले पैनल रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है 720p का जो है हमें वेबकैम इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। पावर बटन के अंदर ही हमें फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। 11th जनरेशन i7 जो है इसका प्रोसेसर होने वाला है, जो कि 49% फास्टर है 10th जनरेशन CPUs की बजाय। अब इसके बात कर लेते हैं एक्सपेक्ट रेशियो की, तो 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो इसका रहने वाला है। और बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की यदि हम बात करते तो 84% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो इसके अंदर हमें मिलने वाला है। वही बात करें मैजिक बुक 15 की, तो इसके अंदर 15.6 इंचेस की हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और वही 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो रहेगा। बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की बात करें तो 87% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो हमें देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ इसके अंदर NVIDIA का GeForce MX450 CPU हमें देखने को मिल पाएगा, सॉरी ग्राफिक कार्ड GPU हमें देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा जो है 16GB रैम और 512GB जो है रोम, यानी हम कह सकते हैं SSD के साथ में हमें ये देखने को मिल पाएगा। 512GB SSD स्टोरेज हमने इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा यदि बात करें दोनों फ़ोन Wi-Fi 6 के अंदर आने वाले हैं, Wi-Fi 6 का सपोर्ट हमें इसके अंदर देखने को मिल पाएगा। ड्यूअल Wi-Fi एंटीना हमें देखने को मिल पाएगा, जो कि सपोर्ट करेगा 2400 MB/s, हाँ 2400 MB/s की वायरलेस कनेक्टिविटी स्पीड हमें देखने को मिल पाएगी। इसके अलावा यदि बात करें तो इसके अंदर दो USB 3.1 पोर्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, एक USB Type-C पोर्ट हमें इनके अंदर देखने को मिल जाएगा, HDMI पोर्ट वगैरह भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ऑडियो जैक हमें इसके अंदर माइक जैक और ऑडियो जैक 3.5 mm जैक जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही लैपटॉप की यदि बात करें वेट की, तो जो 14 लैपटॉप है वो 1.38 किलोग्राम का होने वाला है और जो मैकबुक 15 है वो 1.56 किलोग्राम का जो है होने वाला है। इसके अलावा दोनों के अंदर ही तकरीबन सारे स्पेसिफिकेशन सेम हमें देखने को मिल पाएंगे। डिस्प्ले साइज और बैटरी के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस किया गया है, तो बैटरी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो आपका मैजिक बुक 14 है इसकी बैटरी ज़्यादा बड़ी है, इसके अंदर 56 WHR की जो है बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं यदि इसके बात करें मैजिक बुक 15 की, तो इसके अंदर जो है हमें 42 WHR की बैटरी देखने को मिल पाएगी। यदि बात करें मैकबुक 14 वेरिएंट की, तो ये क्लेम करता है कि 10.2 आवर्स तक हमें जो है वीडियो प्लेबैक का बैटरी बैकअप हमें यहाँ पर मिल पाएगा। यदि वहीं हम बात करें मैजिक बुक 15 की, तो इसके अंदर जो है हमें 7.6 आवर्स का जो है वीडियो प्लेबैक का टाइम हमें इसके अंदर बैटरी बैकअप के साथ में मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इन दोनों की प्राइस के बारे में। स्पेसिफिकेशन तो हमने बता दिए हैं, ऑलमोस्ट डिजाइन आपको देखने को मिल गया होगा। जो डिजाइन के अंदर स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं वो आपको थोड़े से इनकरेक्ट दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको AMD Ryzen वगैरह प्रोसेसर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो एक पुराना जो है कॉन्सेप्ट वीडियो था और डिजाइन तकरीबन सेम होने वाली है, बस कॉन्फिग्रेशन के अंदर कुछ चेंजमेंट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा यदि बात करें इसकी सेल की, तो जो ये है 27 को ओनर स्टोर और JD.com पे जो है 27 जनवरी को सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया के अंदर हमें देखने के लिए मार्च तक का टाइम लग सकता है, मे बी फरवरी लास्ट के अंदर हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए, लेकिन मार्च में तो शॉर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों की प्राइस की भी बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें मैकबुक 14 की प्राइस के बारे में,
सॉरी मैजिक बुक 14 मैकबुक में आईफोन वो एप्पल वगैरह पे चला गया थोड़ा सा। तो इसकी प्राइस जो है वो प्राइस भी रीजनेबल रखी गई है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा प्राइस इसकी जो है वो रख दी गई हो। इसकी प्राइस जो है वो 55,100 रुपीज़ के आसपास से जो है ये शुरू हो जाएगा और इसकी जो है 52,900 तक प्राइस जो है वो जा सकती है, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस वगैरह यदि रैम वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो ऐसे के अंदर थोड़ा बहुत जो है प्राइस के अंदर चेंज किया गया। वहीं मैकबुक 15 की भी बात करें तो इसकी भी प्राइस जो है 52,900 रुपीज़ तक होने वाली है और कब अवेलेबल होंगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इनके अंदर 16GB की जो रैम ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल पाएगी, 16GB और 512GB जो है वो स्टोरेज SSD स्टोरेज हमें इसके अंदर देखने को मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके और पास में आने वाले बेल आइकन को दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेकर आने की हिम्मत मिलती रहेगी। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे को पता है वीडियो आपको अच्छा लगा। और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि वीडियो आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि अगले वीडियो में हम ये इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। धन्यवाद।